आपको अहम खबर से आगाह करें कि रहीम यार खान में NA 171 के उम्मीदवार मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट का मुसलह अफराद के हमराह आर ओ के दफ्तर पर हमला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं और दफ्तरी अमले से हाथापाई गालम गलोच के साथ सरकारी इंतखाबी दस्तावेज छीनने की कोशिश भी की गई है और मुमताज़ मुस्तफ़ा ने तहरीक इंसाफ के नाम से अपने कागजात नामजद की जमा कराए। मस्कूरा उम्मीदवार ने इंतखाबी दस्तावेज में अपनी मनमर्जी से PTI के नज़रियाती लिखने की कोशिश की है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं ज़हीर मलिक से। जी ज़हीर, बताएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, हल्का NA 171 PTI के उम्मीदवार हामी वकला का डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में जबरदस्ती घुसा है। दफ्तरी हमले से गाली गलोच और इंतखाबी दस्तावेज छीनने की कोशिश की गई। दफ्तर का घेराव किया गया। उम्मीदवार और हामी उसमें 100 से ज्यादा अफराद के खिलाफ थाना सिटी के डिविजन में संगीत अफराद के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक NA 171 से PTI के उम्मीदवार इंतखाबी दस्तावेज में अपने मनपसंद रद्दबदल करवाना चाहते थे, जिस पर 100 से ज्यादा वकला के हमरा उन्होंने जबरदस्ती दफ्तर में घुसा रिटर्निंग अफसर से सरकारी इंतखाबी दस्तावेज छीनने की कोशिश की। PTI उम्मीदवार मुताज मुस्फर के हामियों ने रिटर्निंग अफसर और हमले को यरगा मार बना लिया। डिप्टी कमिश्नर कह रहा है कि मुताज मुस्फर उनके हामी 3 घंटे तक रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में गा मराई और नारेबाजी करते रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।